बीजापुर जिले के गंगालूर जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए सभी 13 नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। घटनास्थल से बड़ी संख्या में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। इनके पास इतने हथियार मिले हैं जैसे ये किसी छोटे युद्ध की तैयारी कर रहे हों। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई बड़ी मुठभेड़ में अब तक मारे गए 13 नक्सलियों के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 11 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। इस एनकाउंटर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। मंगलवार शाम अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जिस इलाके में हुआ वहां अब भी कई घायल नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है। मंगलवार की सुबह जब नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई वह नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के प्लाटन के कंपनी नंबर 2 का कमांडर होना भी बताया जा रहा है। इन नक्सलियों के पास जिस तरीके के और जिस तादाद में हथियार मिले हैं उससे लगता है जैसे ये किसी युद्ध की प्लानिंग में लगे थे। और प्लाटून नंबर 11, 12 और 13 के लोग वहाँ उपस्थित थे बड़ी संख्या में, जिस पर से हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हमारी खुद की डीआरजी की टीम थी, सीआरपीएफ कोबरा और एसटीएफ की टीम थी। 3 दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें फिर लास्ट में कल जो हमारे जो ये हुए कई मल्टीपल जो फायर्स हुए, मॉर्निंग लगभग 4:45 के बाद से शाम को 4-5 बजे तक लगभग लगातार फायरिंग होती रही दोनों तरफ से। और इसके बाद जब हमारी सर्चिंग हुई तो हमें 13 शव जो हमने बरामद किए थे। इसमें जो हमें जो अभी जो तक जो हम लोग का प्राइमा फेसी जो पता चला है, इसमें कंपनी 2 जो है उनके मेंबर्स हैं, साथ में जो प्लाटून नंबर 12 उसके मेंबर्स हैं, बट अभी शिनाख्त की नहीं हो पाई है। जैसे ही शिनाख्त होगी वेस्ट बस्तर डिवीजन के तो सारे जो हमें सूचना मिली थी उसमें जो जितने भी वेस्ट डिवीजन के सचिव भी थे, बाकी लोग भी थे, एसजेडसी मेंबर्स भी की भी सूचना मिली थी, जिस पर से हमने ऑपरेशन किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।